हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को दे रखा है। अब क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज इज 12 सेंटीमीटर एंड द अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। यानी कि दो अलग अलग शेप दे रखे फ्रेंड मेरे को। एक दे रखा है मेरे को क्यूब। अब फ्रेंड, जो क्यूब होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी चारों साइडें पूरे सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं दूसरे के। ठीक है, और दूसरा मेरे को दे रखा है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड मेरा होता है कुछ इस तरीके से। ये मेरा क्यूबॉइड हो गया, ये मेरा क्यूब हो गया। इसकी जो साइड है, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, और ये मेरा है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। फ्रेंड, इसकी जो साइड है यानी कि भुजा, जिसको मैंने ए मान लिया है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो लंबाई है एल वो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मेरे को दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, और हाइट यानी कि ऊंचाई वो मेरे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और हाइट 8 सेंटीमीटर। और फ्रेंड, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कितनी इसकी साइड, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा पहला पार्ट में बोला गया है कि विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरियल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। इन दोनों में से कौन सी फिगर का लेटरियल फ्रेंड कौन सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा ये मेरा हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, लेटरियल बोलते हैं कि जैसे कि मेरा बॉक्स है ना, इस बॉक्स की चारों जो साइडें हैं इनको बोलेंगे लेटरियल, यानी चार फेस का, 1, 2, 3, 4, इन्हें बोलते हैं लेटरियल सरफेस एरिया। ठीक है, चार फेस का। ये तो हो गया क्यूबॉइड का। अब जो क्यूब होगा उसका कैसा होगा। अब जैसे मान लो मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूबिकल बॉक्स है, इसको कहीं से भी नाप के देख लेंगे तो सारी जगह से बराबर है ये। तो जैसे कि मान लो इसके अंदर के जो चार फेस होते हैं 1, 2, 3, 4, इन्हें बोलते हैं लेटरियल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इन दोनों फिगर का हमें लेटरल सरफेस एरिया बताना है किसका ज़्यादा है। ठीक है, दोनों का निकालते हैं। बेसिकली इसका लेटरियल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फ्रेंड देखो, ये जो मेरा क्यूब है, ठीक है, इसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो एक फेस का एरिया होता है साइड इनटू साइड, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर। ये साइड ए है और ये ए है। अगर इस पूरे फेस का एरिया निकालो तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। बट मेरे को निकालना है चार फेस का, 1, 2, 3, 4, तो चार फेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। और इसके भी चार फेस का एरिया बताना मेरे को, ठीक है, इन चारों का, 1, 2, 3, 4। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, 2hl + b। हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, पता लग जाएगा किसका एरिया ज़्यादा है किसका कम है। एक ही दे रखिए 10, अब फ्रेंड स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, 10 × 100 = 400। इसका आया 400 cm², इसका निकालते हैं 2। एच दे रखा है 8, एल है 12.5, बी है 10, 8 × 16, दोनों को ऐड किया 22.5। बीच में निशान नहीं है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने फ्रेंड मेरा आएगा 360 cm² आ गया। अब किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक, यहाँ क्या लिखूँगा, लेटरियल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का अधिक है घनाभ से। अब कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 माइनस कर दो, 40 cm² ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि बताओ दोनों में से टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, इसका कम है या इसका कम है। तो बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया,
इसको हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब के अंदर ना टोटल के अंदर क्या होता है, देखो लेटरल में तो होता है 1 2 3 4, बट टोटल में क्या होता है, चारों तो होते ही होते हैं, नीचे का बेस भी होता है और ये भी होगा, टोटल मिला के 6 के 6 फेस होंगे, ठीक है। तो 4 फेस का 4 ए स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना होगा 6 ए स्क्वायर, और इसके भी कितने हो जाएंगे, पूरे 6 फेस हो जाएंगे इंक्लूड, ठीक है। ऐसे कि मान लो 1 2 3 4 5 और एक नीचे का भी, पूरे 6 फेस हो जाएंगे। तो 6 फेस का फॉर्मूला 2 LB BH HL, ठीक है। अब हमें इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ए दे रखा मेरे को 10 10 × 10, ये तो आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया। अब इसको सॉल्व करना है 2 L 12.5 B 10 10 × 8 8 × 12.5, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई किया 125 80, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 2, तीनों को ऐड कर देंगे 125 × 80 प्लस 80 और 100, ये आ जाएगा मेरा 305। दोनों के बीच में निशान नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड इस बार जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो इसका ज़्यादा है, किसका, क्यूबॉइड का, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, स्मॉल किसका है, मैं क्या लिखूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लेस देन क्यूबॉइड, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है घनाभ के क्षेत्रफल से। अब कितना कम है, 610 में से 600 माइनस कर दो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही कम है, ठीक है फ्रेंड। और एक से एक साथ फ्रेंड मेरा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।